উনাদের লেভেলে হয়। সেভাবে আমরা মানুষের কাছে থাকতে চাই, 100% আমরা যাতে স্যাচুরেশন পয়েন্টে আসতে পারি, প্রতি ঘরে সুশাসন ক্ষেত্রে আমাদের আইন শৃঙ্খলা এবং আমাদের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে বলছে অনেক অনেক কাংশে আমাদের কমে গেছে ত্রিপুরাতে, আমাদের আইন শৃঙ্খলা এত সুন্দর হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা সংরক্ষণ দিয়েছি আমাদের সমস্ত যে এমপ্লয়মেন্টের গভর্নমেন্টের যতগুলো চাকরি বেরোবে 33% আমরা মানে আইন শৃঙ্খলা নেই। আইন শৃঙ্খলা যদি না থাকে তাহলে কি করে আপনারা প্রসেশন করছেন, কিভাবে মিটিং করছেন আরামসে, যেখানে রাখা আমাদের কর্তব্য এবং আমাদের ধর্ম। আগে আমরা দেখেছি কিভাবে খুন সন্ত্রাস এবং ধর্ষণ করা হতো, যারা জেনারেল কলেজে পড়াশোনা করে তাদের কোনো রকম পয়সা দিতে হবে না, অবৈতনিক করেছি সেটাও দিনে আমরা, সেটা 17ই সেপ্টেম্বর শুরু করেছিলাম এবং আরেক প্রধানমন্ত্রী ওনার জন্মদিনে আমরা সেটা শেষ করি। এবং যেটা গ্রামে গঞ্জে কোথাও কোনো সমস্যা হলে সেখানের আধিকারিকরা সেই কাজটা করবে, সেই কাজটা যদি আমি যে বাজেট ভি লেকার আয়ে উসমে সব কিসম হর বর্গ কে লোগোঁ কে লিয়ে ইতনা আচ্ছা বাজেট লেকার আয়ে হ্যাঁ যো জিসসে লাভান্বিত হোঁগে বহুত সারে কিসান আম জনতা জেসে মহিলায়ে কিসান আর গরীব জনতা সবকে লিয়ে আবাস পিএম আবাস যোজনা और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब बताया आपको, उसको वापस मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ त्रिपुरा में भी बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारा डेवलपमेंट शुरू हो गया है। अभी आज भी देखा मैंने 2-3 मीटिंग करके आई हूँ तो रास्ता सब पहले जैसा था और अभी कैसा है, बहुत बहुत फ़र्क आ चुका है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अभी और भी आगे आप लोगों का होना चाहिए। सुना है यहाँ पे बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है और बहुत सारी चीज़, कॉलेजेस एंड म्यूजियम, ये मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ अभी उपलब्धियाँ मिल रही है। फिल्म इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे बनने वाला है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं और आप लोग अपने जो विचार थ्रू फिल्म बता सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, यू नो, युवा पीढ़ी के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। जैसे योगी जी भी नोएडा में, उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत अच्छा सा फिल्म इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं, उधर भी हो भी चुका है लेकिन काफ़ी काम अभी और बाकी है। ऐसा अच्छे पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत काम बहुत अच्छा होता है आप सबके लिए, क्योंकि बार बार आप एक गलत पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे कांग्रेस और सीपीएम ने आपको आज तक कुछ दिया नहीं, जो अभी ये दे रही है ये पार्टी, हमारी सरकार, हम भारतीय जनता पार्टी, तो इसके साथ जुड़कर आप आगे बढ़िए। आप मैं इतना ही कहना आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि 16 तारीख को चुनाव में आप सब लोग भाग लेंगे। ख़ास तौर पर मैं चाहूँगी युवा पीढ़ी के लोग भी जाइए और वोट दीजिए ज़रूर, आप लोगों का वोट बहुत ही कीमती है, आप सब जाइए और वोट दीजिए, सबको भी प्रोत्साहित भी कीजिए कि देना चाहिए, स्पेशली द यंगर वंस, द फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उनको आप लेकर जाइए और हमारे मुख्यमंत्री जी को वापस जिता कर लेकर आइए त्रिपुरा में। और जब आप लोगों का बहुत बड़ा सा एक फंक्शन होगा मैं वापस आऊँगी आप सबको मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की। यहाँ पर आई हुई हूँ त्रिपुरा में, त्रिपुरा सुंदरी, कितनी तीनों लोगों की सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी, वैसे ही ये पूरा त्रिपुरा भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदर है, ऐसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह में आप लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कई सालों तक यहाँ पे कोई प्रगति नहीं हुई और मुझे खुशी हो रही है कि पिछले बार हमारी सरकार आ गई है बीजेपी की, और उस वक्त भी मैंने आकर यहाँ पर चुनाव में आकर सब हमारे बहुत सारे प्रत्याशियों के लिए बात किया था और आप लोगों ने उन सबको जिताया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। आप लोग तो कई फिल्मों में मुझे देखते आ रहे हैं, देखा है वो तो पिछली बात है, अभी मैं एक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मथुरा की सांसद बनी हुई हूँ। मथुरा भी एक ऐसी एक स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है, उसे संवारने सजाने का मुझे अवसर मिला है। पिछले 9 साल से मैं वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट किया है और कर रही हूँ आगे भी, मुझे बहुत खुशी मिलती है ये काम करते हुए।
और कुछ पहले थोड़ी सी मुश्किल हुई थी जब मैं सांसद बनी थी, लेकिन जैसे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी के आगे, तो उनके साथ मिलने की वजह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो काम हो रहा है वो मैं बता नहीं सकती, इतना बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो वैसे ही त्रिपुरा के लिए भी मैं कहूँगी कि ये डबल इंजन सरकार है, यहाँ पर इतना काम हो रहा है और हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमें एक ऐसे एक प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी जैसे, जो बहुत दूरदृष्टि है, वो उनका सब कुछ उनको मालूम है कि क्या होना चाहिए हमारे देश में। 140 करोड़ जनता खुश है, वो लोग मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम आज दुनिया के पांचवी दुनिया में है हम लोग इतना, और G20 का भी अध्यक्षता कर रहे हैं। और कोरोना काल में बहुत मुश्किल का समय था, लेकिन हर परिस्थिति का सामना करके हम लोग आगे आए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इतना ही नहीं, बाकी देश जब वोट